अब हम शुरू करते हैं सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर 3, नून ये और बड़ी ये। देखिए ये अलिफ बे ते से में सबसे आखिर के हरूफ हैं, लेकिन इनको इसमें पहले इसलिए लिया गया है क्योंकि जब हम इनको किसी के साथ जोड़ते हैं तो इनका जो जोड़ने वाला फॉर्म बनता है वो बे की तरह ही बनता है। जैसे अगर हम एक नुक्ता नीचे रख देंगे तो ये बे हो जाएगा, ऊपर रख देंगे तो ये नून हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे दो नुक्ते रख देंगे तो छोटी ये या बड़ी ये बन जाएगा, तो इसलिए इसको इन्होंने पहले शुमार करा है। बाकी जीम है ये आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं, नून से नदी, नून से नल, नून से नहर भी हो सकता है ये, छोटी ये से यक्का और यो यो, ठीक है। छोटी ये और बड़ी ये दोनों से यक्का और यो यो, ठीक है। अब हम मतन पढ़ते हैं इसका, क्या है, नाप, नाटा, नाना, आना, बाना, पाना, ताना, आन, बान, तान, पान, नान, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे, बीन, तीन, टीन, पीना, बी, बेबी, ठीक है। ये बड़ी ए की आवाज ए में जाएगी और इसकी ई में निकलती है, ठीक है। बे बी, बे टी, बे टा, ठीक है। आ ते, आ ने, पा पे, पापे खाते हैं ना, बे ते, ठीक है। बैन, पैन और नैन, देखिए इसमें जो है वो खड़ा जेर नीचे लगाए यानी ई की आवाज आएगी और यहाँ पे जबर लगाए तो आवाज ऊंची आएगी, ठीक है। लेकिन देखिए अगर आप देखेंगे तो देखिए ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ जबर और जेर का फर्क है। क्या है, आया, ताया और पाया, ठीक। अब आपका मश्क जो शुरू होता है, मश्क में आपको इन हर्फ को दोबारा से लिखना है। नून कैसे बनता है बच्चों, ऐसे करके यहाँ से हमने शुरू करा, सीधी लकीर लाए और उसके बाद उसे यूं करके घुमा दिया और बीच में हमने क्या लगा दिया, डॉट, ये क्या बन गया आपका, नून, ठीक है। इस तरह से आप इसे पूरा बनाएंगे। फिर आपको बनाना है छोटी ये, छोटी ये कैसे बनती है, ऊपर से एक सी और नीचे से ऐसे करके यूं, ये बन गई आपकी छोटी ये, ठीक है। और ये क्या है आपकी, बड़ी ये, ऊपर से ऐसे ला के सीधा नीचे ले गए और यूं करके घुमा के वापस लिए, ठीक है। तो ये हो गई छोटी ये और बड़ी ये। तो अब आप लोग इसका मश्क करेंगे कॉपी पे। अब नीचे आते हैं, इन अल्फाजों को पढ़वाएं, यानी अब आपको ये क्लास में पढ़ना है जोर जोर से। क्या है, पानी पीना, तीन पान, नाना नानी, बेटा बेटी, बेबी आना, बेटा बेटी आना, ठीक है। अब इन अल्फाजों को आपको दोबारा से लिखना है, ठीक है, ये क्योंकि जुड़े हुए हैं ना, दो दो तीन तीन वाले, आन, नाप, बैन, बेबी और पाना, ठीक है। अब इसके बाद आपको आता है नुक्तों की मदद से अल्फाज बनाएं। अब देखिए आपको यहाँ पे सिर्फ शेप दिया हुआ है, ऐसे करके डिजाइन दी हुई है ना। अब इन डिजाइन में आप अपनी मर्जी से कोई भी नुक्ते लगा के हर्फ बनाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आप कुछ भी नुक्ता लगा देंगे, वो नुक्ता तब लगे मान्य होगा जब आप उससे कोई हर्फ बनाए, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे एक डॉट लगाएं, ये हो गया नून अलीफ ना, और यहाँ पे एक और डॉट लगा दिया, क्या हो गया, ना ना, ठीक है। अगर हम नीचे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बा बा, ठीक है। और यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पा पा, ठीक है। तो अब इस तरह से आप इसमें सब में डॉट लगा के इसको बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए अगर हम यहाँ डॉट लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे तो ये बे अलिफ बा और नून सा, नून और डॉट क्या हो जाएगा, बान, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये लगा देंगे, बे अलिफ बा और बे, बाब, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, नून अलिफ ना और नून ये जे नी, ना नी। इस तरह से अब आप लोग इसमें सब पे डॉट लगा के अपनी कॉपी पे ये वर्क कंप्लीट करेंगे। अब इसमें आपका पांचवा सवाल क्या है, हर्फ का खेल, यानी हरूफ से खेलना है आपको। अब जैसे देखिए बे अलीफ ते बात है ना, तो इसी तरह से इसमें भी अलीफ लगा देंगे, नून अलीफ नून नान, बे अलीफ ते बाट, ठीक, नून अलीफ पे नाप। तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे आराम से, सब में अलीफ अलीफ लगाना है, बड़ा मजा आएगा इसे करने में। और जो हर्फ आपके यहाँ बनेंगे जैसे बे अलीफ ते बाट,
तो उसको आपको यहाँ इस जगह पे लिखना भी है उन हर्फ को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।